पुलिस का जो प्रेजेंस है वो मैक्सिमम होना चाहिए इलाके में। और एक तारीख को क्या होता है कि क्रिमिनल्स को ये आइडिया रहता है कि 31 की देर रात तक पुलिस ने इंतज़ाम दिया होगा और एक तारीख को सब जो है सुस्ता रहे होंगे। तो आज साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये उन क्रिमिनल्स को एक बहुत बड़ी चुनौती और एक हमने बहुत बड़ी वार्निंग दी है कि हमारी जो टीम है वो इतनी तरोताज़ा है रात का अरेंजमेंट देकर भी कि वो इलाके में साइकिल पर उतरेगी, गली गली में जाएगी और हर आदमी के ऊपर पूरी निगरानी रखेगी और कार्रवाई करेगी। ये हमारा आज का मेन अभियान रहा है। सर, जो ये पेट्रोलिंग थी इको फ्रेंडली विधि को अपनी रूटीन ड्यूटीज में एक्सरसाइज करने का मौका नहीं मिलता है। दूसरा, जो हमारा पेट्रोलिंग में तेल जलता है, सरकारी पैसा तो उसमें लगता ही है, साथ ही साथ प्रदूषण भी फैलता है। तो ये हमने एक नया तरीका अपनाया है। आउटर नॉर्थ में मैंने इसकी शुरुआत भी की थी और साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में आज हमने 1 जनवरी 2022 को इसको लॉन्च किया है दोबारा से, कि जिससे कि हमारे जो पुलिस वाले हैं उनकी फिटनेस भी बरकरार रहे। और आपको पता होगा कि अब 40 वर्ष से ऊपर के तमाम पुलिस वालों को हमारे कमिश्नर साहब ने मैंडेटरी राशि पर्याप्त करवाई है कि वो अपना मेडिकल चेकअप करा सके। तो ये अपने आप में हर आदमी के लिए एक सेल्फ चेकअप है कि उसको खुद पता लग जाए कि उसके स्टैमिने में कहाँ कमजोरी आ रही है और वो अपना ध्यान रख सके। देश बनता है अपने नागरिकों से, ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में टीवी 9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।